वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोपोर्शन को, देन डिस्कस करेंगे इसकी काइंड्स को, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन को, और देन जो है इसको डिस्कस करेंगे कंपाउंड प्रोपोर्शन को। तो प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है, ये डेफिनेशन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड ए प्रोपोर्शन। जो दो रेशियोज़ की बराबरी को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। अगर फोर क्वांटिटीज़ ए बी सी और डी जो हैं हमारे पास प्रोपोर्शन में हैं, उनको मैथमेटिकली इस तरह लिखा जाता है, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। इनफैक्ट ये क्या है, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज़, ये रिलेशन है टू रेशियोज़ के दरमियान में, ये प्रोपोर्शन है। ठीक है, प्रोपोर्शन इज ऑफ टू काइंड्स। प्रोपोर्शन की टू काइंड्स होती हैं, एक डायरेक्ट एक इनवर्स। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये है और इसकी एग्जांपल्स हैं। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, ये रिलेशनशिप है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सिंपल ये है कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज़ के दरमियान में जो रिलेशन है, इन विच इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी, जिसमें एक क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो है जो वजह बने, कॉजेज ए प्रोपोर्शनल इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेकंड क्वांटिटी। ठीक है, जो वजह बनती है, सबब बनती है सेकंड क्वांटिटी में इंक्रीज या डिक्रीज का, ठीक है, कमी या इजाफे का, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी एज ए उसके रिजल्ट में। ठीक है, और अगर एक डिक्रीज है तो दूसरी भी डिक्रीज हो जाएगी। इसकी एग्जांपल्स ये आ रही हैं, जैसे कि आप देखें डेली लाइफ एग्जांपल है, ये मैंने लिखी हुई यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स परचेज। अब हम कोई ऑब्जेक्ट बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल पेंसिल की अगर बात कर लेते हैं, तो अगर एक पेंसिल 10 रुपीज़ की है, तो अगर हम 5 पेंसिल्स खरीदेंगे तो उसकी जो है कॉस्ट भी उस लिहाज से बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम पेंसिल की जो क्वांटिटी इंक्रीज़ करते जाएंगे, हमारे कॉस्ट भी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, हमें पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। ठीक, तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, ऐसा ही है। तो ये कौन सी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की हमारे पास एग्जाम्पल आ गई। फिर वेट एंड कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स, अगर हम 1 kg फ्रूट को बाय करें, कोई भी फ्रूट ले लें, तो उसकी जितनी प्राइस होगी, और अगर हम उसका वेट इंक्रीज़ करें 2 kg बाय करेंगे, तो हमें उस लिहाज से उसकी पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये भी कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह ये पेट्रोल कंजप्शन एंड डिस्टेंस ट्रैवल के, अगर हम लोग जितना डिस्टेंस कवर करते जाते हैं, तो उस लिहाज से हमारा पेट्रोल यूज़ होता रहता है। जितने किलोमीटर्स हम डिस्टेंस कवर करेंगे, उस लिहाज से हमारा पेट्रोल यूज़ होता जाएगा। तो ये सारी किसकी एग्जांपल आ गई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। फिर आ जाए इन्वर्स पे। इन्वर्स में ये क्या है हमारे पास, के रिलेशन होता है टू क्वांटिटीज़ के दरमियान में, ऐसे कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है, तो उसके रिजल्ट में दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ करेगी, या एक जो है अगर क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो उसके रिजल्ट में दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो ऐसे जो है रिलेशन को हम इन्वर्स रिलेशन कहते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन है ये। तो रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज़ के दरमियान में रिलेशनशिप, इन विच इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज ए प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन द सेकेंड क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा, ओके, तो उसको इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लें, नंबर ऑफ पीपल एंड द टाइम टेकन टू कम्प्लीट ए पर्टिकुलर टास्क। अब देखें, नंबर ऑफ पीपल, अगर फॉर एग्जाम्पल 5 पीपल हैं एक टास्क को कम्प्लीट कर रहे हैं, और जितना उनको एक ही टास्क है, ठीक है, 5 पीपल हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं, और अगर हम नंबर ऑफ पीपल को इंक्रीज़ कर देंगे, तो वही काम जो है, फॉर एग्जांपल 5 थे तो हम 10 कर रहे हैं, तो वो काम जल्दी वो ख़त्म कर लेंगे। अगर 5 लोग 5 घंटे में एक काम कर रहे हैं, एक ही काम है सारे कर रहे हैं, 5 घंटों में 5 ही हैं आदमी, ठीक है, अगर हम इंक्रीज़ करेंगे नंबर ऑफ़ पीपल को 10 कर देते हैं, तो वो क्या करेंगे, काम जल्दी ख़त्म कर लेंगे। तो अगर हम नंबर ऑफ़ पीपल इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसके रिजल्ट में जो है हमारे पास टास्क जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो एक चीज़ के इंक्रीज, एक क्वान्टिटी के इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वान्टिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो ये हमारे पास कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स। इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन की एग्जाम्पल है। स्पीड ऑफ व्हीकल एंड टाइम कवर्ड, अब देखें कि हमारे पास जो, अगर व्हीकल की हम जो स्पीड को बढ़ा देंगे, तो हम जल्दी स्पीड की जो है, व्हीकल की स्पीड अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास जो है टाइम कम लगेगा, ऐसे ही है। और अगर हम स्लो चला रहे हैं, तो फिर क्या होगा, टाइम हमें ज़्यादा लगेगा कहीं पहुंचने में। तो जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे, वो टाइम कम होता जाएगा, और जैसे जैसे हम स्पीड कम कर रहे हैं, तो फिर वो टाइम हमें ज़्यादा लगेगा। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं, ये भी हैं। अब कंपाउंड प्रोपोर्शन की तरफ आ जाएं, तो प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या था कि रिलेशनशिप जो होता है टू रेशियोज़ के दरमियान में, रिलेशन को हम कहते हैं प्रोपोर्शन कहते हैं। और कंपाउंड प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है कि टू और मोर देन टू
प्रोपोर्शंस के दरमियान में जो रिलेशन है उसको हम कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। ओके तो होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। यहाँ पर इसको कैप्चर करना तो आप कर सकते हैं, प्रोपोर्शन था, देन ये डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये है और ये एग्जांपल्स हैं, फिर ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं, फिर ये कंपाउंड प्रोपोर्शन है।